मैं अभी सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड के एक सुपरमार्केट में हूँ, तो मैंने ये वीडियो अलग से बनाया हुआ हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सर्बिया में बेलग्रेड में डेली यूज़ के जो सामान है, स्टफ्स है, उनके प्राइस क्या है। अगर आप यहाँ घूमने आते हो या रहने आते हो, किसी भी रीज़न से आप सर्बिया आते हो, तो आप आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आप जब लोकल नीड्स के, डेली नीड्स के सामान खरीदोगे, तो आपको लगभग किस पैसों में पड़ेंगे। सर्बिया की जो करेंसी है वो है सर्बियन दिनार। मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से अलग से बता रहा हूँ। उसकी जो वैल्यू है वो बता देता हूँ मैं। 1 Indian rupees इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सर्बियन दिनार। ये ब्रेड है, और कई सारे ब्रेड्स हैं अलग अलग कंपनीज के हैं, सबके प्राइस अलग हैं। जो सबसे सस्ती ब्रेड है, जो मैं नोवी सैद में भी लिया था, वो ये है। 500 ग्राम की है, हैबीबी करके कुछ ब्रेड है, 40 दिनार की। बाकी ये मल्टी ग्रेन फुट लॉन्ग है, सिर्फ 2 पीस है, 81 दिनार का। ये मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है। नॉर्मल जो कॉस्ट यहाँ पे है वो 100 दिनार का, मगर अभी ऑफर में चल रहा है 90 दिनार का। लगभग 60 रुपये लीटर दूध पड़ रहा है यहाँ पे। आपको बटर दिखा देता हूँ। बटर का कॉस्ट है यहाँ पे, ये बटर रहा, 250 ग्राम है। कुछ कंपनीज के हैं 56 दिनार के, कुछ कंपनीज के हैं 60 दिनार के। लगभग हो गया वही 40 रुपये का 250 ग्राम बटर। तो महंगा नहीं है, बटर तो बहुत सस्ता है कंपेयर टू इंडिया। और आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये मैडम हट जाएँ पहले। ये चीज़ है यहाँ पे, 100 ग्राम है, 80 दिनार का। लगभग हो गए 50-55 रुपये में। और ये पनीर भी लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि 250 ग्राम्स 124 दिनार में, लगभग आई थिंक 80-85 रुपये के आसपास केजी में हो गया, 240 रुपीज़ केजी। तो प्राइस लगभग इंडिया जैसा ही है। एग का प्राइस है यहाँ पे 150 दिनार में 10 अंडे, मतलब कि हो गया लगभग 100 रुपये में 10 अंडे, तो 10 रुपये का एक अंडा पड़ रहा, जो कि ठीक है। कॉफ़ी है, ये 100 ग्राम कॉफ़ी है, 93 दिनार का, लगभग 60-65 रुपीज़। ये नेस्कैफे की कॉफ़ी है, 100 ग्राम नेस्कैफे की, बहुत ही महंगी है, 388 दिनार की, बहुत ज़्यादा महंगी है। ये वही सेम लोकल ब्रांड की है, उससे 1/3 प्राइस में। ये मैक्रोनी का बड़ा पैकेट है, 400 ग्राम का है, 54 दिनार में। ये राइस है, नॉर्मल राइस है, बासमती मेरे को नहीं लग रहा है, मोटे वाले लग रहे हैं। ये 1 kg है, 266 दिनार का, लगभग 150 रुपये किलो के आसपास हो गया। भाई गेहूं भी है यहाँ पे, लेकिन इसका आटा कहाँ बनाओगे आप। गेहूं है 1 kg 160 दिनार का। ऑयल बता देता हूँ आपको, रिफाइंड ऑयल है ये, सनफ्लावर ऑयल है, 1 लीटर है, 128 दिनार का। कई सारे ब्रांड्स हैं, कुछ के 139 दिनार। ऑलिव ऑयल भी है यहाँ पे, 1 लीटर ऑलिव ऑयल है ये, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लगभग 1600 दिनार का, मतलब 1000 रुपये लीटर पड़ गया ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तो भाई काफ़ी महंगा है यहाँ पे, नॉर्मल ऑयल सस्ते हैं, रिफाइंड ऑयल। ये मेरे को मस्टर्ड ऑयल लग रहा है, सरसों का तेल। और इसका प्राइस है 80 दिनार पर लीटर, जो कि बहुत सस्ता है। ये वाटर है, पानी का रेट बता देता हूँ। वैसे पानी जो है सर्बिया में पोर्टेबल है, आप टैप वाटर पी सकते हो, फिर भी अगर आपको ख़रीदना है तो 1.5 लीटर का पैक है ये। ये है 43 दिनार, लगभग 30 रुपये के आसपास, नहीं हाँ भाई 30 रुपये के आसपास हो गए। कोल्ड ड्रिंक का रेट आपको बता देता हूँ। पेप्सी, 1 लीटर पेप्सी है ये, 70 दिनार की है। और क्या, ये कोका कोला है 1.5 लीटर, ज़ीरो शुगर, 100 दिनार का। जूस है 1 लीटर एप्पल जूस, 100 दिनार लगभग हो गए इसके। और ऑरेंज जूस है 1 लीटर, 125 दिनार। तो कई कंपनीज हैं, और हर कंपनीज़ के रेट अलग है यहाँ पे, जैसे कि इंडिया में होता है। ये बियर भी है, आप लोगों को बियर का रेट भी बता देता हूँ। कार्लसबर्ग की कैन है, इसका प्राइस है 80 दिनार, मतलब हो गया आई थिंक 50-55 रुपये हो गया लगभग। और भी ये ट्यूबॉर की बियर है, 1/2 लीटर का कैन है, 100 दिनार का। हैनीकैन भी है, हैनीकैन का 1/2 लीटर का है, 105 दिनार का। और बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी हैं, जो कि सस्ते बहुत हैं। ये कोई लोकल ब्रांड है 1/2 लीटर का, लेव का कैन है ये। ये है सिर्फ 60 दिनार, लगभग 40 रुपये की बियर, सबसे सस्ती बियर ये लेव। भाई बियर काफ़ी हो गया, आप चिप्स दिखा देता हूँ साथ में। चिप्स का पैकेट ये बड़ा पैकेट है, 32 दिनार का, लगभग वही 20 रुपये के आसपास, जो कि सेम इंडिया जैसा रेट है। और भी कई ब्रांड हैं। और ये पैकेट है, बहुत ही बड़ा पैकेट है ये,
इसके ख़रीद में साथ में टेलीनॉर का 10 GB डेटा भी आपको फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका प्राइस है 125 दिनार, मतलब लगभग 80-90 रुपये। आप देखिए 150 ग्राम चिप्स ले सकते हो, साथ में 10 GB डेटा फ्री। मेरा भी ब्रांड खैर सिम का ब्रांड टेलीनॉर ही है भाई। ये फ्राइड मूंगफली है, प्लेन सॉल्टेड लग रहा है मेरे को। 80 ग्राम्स है 60 दिनार का, लगभग 40 रुपए। और ये काजू का पैकेट है 75 ग्राम, बहुत ही महंगा है, 270 दिनार। पिस्ता का पैकेट है ये भी 75 ग्राम, 254 दिनार। मतलब मूंगफली छोड़ के ड्राई फ्रूट्स थोड़े महंगे हैं यहाँ पे। और शैम्पू के रेट आपको बता देता हूँ मैं। हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, कितने का है ये, 225 ml, 280 दिनार का है। ये बॉडी लोशन है नीविया का, बॉडी लोशन 505 दिनार, मतलब 505 दिनार का हो गया। ये भी नीविया की बॉडी लोशन है ड्राई स्किन के लिए, 442 दिनार। टूथपेस्ट आपको दिखा देता हूँ, ये 100 ml टूथपेस्ट है। आई थिंक ये सेम वही है जो मैं जॉर्डन से लिया था, वहाँ मेरे को पड़ा था, ध्यान नहीं है मेरे को। ये 99 दिनार का है। ये कोलगेट मैक्स फ्रेश है, ये तो महंगा है, 275 दिनार का, ये तो काफ़ी सस्ता है। टूथब्रश का प्राइस बता देता हूँ, टूथब्रश है ये, दो टूथब्रश है 80 दिनार का। और अलग अलग कंपनीज़ के हैं। ये ओरल बी का है दो टूथब्रश, 130 दिनार का। ओरियो बिस्किट है ये 157 ग्राम, 178 दिनार का, लगभग हो गया 110-120 रुपये। बिस्किट महंगा पड़ रहा है यहाँ पे। और भी सारे यहाँ डाइजेस्टिव बिस्किट्स लगे हुए हैं। ये पैक है 100 ग्राम का 67 दिनार में, ठीक है, बहुत महंगा नहीं है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या सामान कितने का है। ब्रेड और पीनट बटर मेरे को लेना था, ब्रेड ले लिया है 40 दिनार का, लेकिन यहाँ पर पीनट बटर ख़त्म है, तो मेरे को और कोई शॉप में देखना पड़ेगा। फिलहाल अब मैं आ गया हूँ नेस मिहाइलोवा स्ट्रीट में, जहाँ मैं मॉर्निंग में आया था फोर्ट के बाद। तो रात में देखते हैं कैसा दिखता है, उसके बाद अब सीधे मैं जाऊँगा अपने हॉस्टल। रास्ते में कोई अगर शॉप दिख गई तो पीनट बटर ले लूँगा, फिर आपको मॉर्निंग में मिलता हूँ मैं। हाँ भाई यार, अभी मॉर्निंग में क्यों मिलना है, अभी तो आप लोगों को हॉस्टल दिखाना है। जो हॉस्टल मैंने बुक किया जहाँ मैं रह रहा हूँ बेलग्रेड में, सिर्फ 500 रुपीज़ पर नाइट में। तो वापस हॉस्टल जाके पहले आपको हॉस्टल दिखाऊँगा पूरा, हॉस्टल का टूर दूँगा, उसके बाद फिर कल मॉर्निंग में मिलूँगा। हॉस्टल, तो आपको अपने हॉस्टल का मैं टूर देता हूँ। हॉस्टल का नाम है गुड पीपल हॉस्टल, booking.com से मैंने इसको बुक किया था और रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 9+ रेटिंग है इसकी 10 में से। और आपको पूरा हॉस्टल दिखाता हूँ। ये हॉस्टल किचन है जो सबसे नीचे है ग्राउंड फ्लोर पर, सामने रिसेप्शन है। किचन में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, सॉल्ट शुगर टी वगैरह सब फ्री है, आप चाहे जितना यूज़ कर सकते हो। ऑयल भी आप यूज़ करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, हॉट वाटर आप कर सकते हो कभी भी। बर्तन आपको खुद से धुलने पड़ेंगे, जो कि हर हॉस्टल का रूल होता है। रेफ्रिजरेटर अपना सामान रख सकते हो आप। रूम पे लेके चलता हूँ पर मैं आपको। तो भाई ग्राउंड फ्लोर पर किचन था और रिसेप्शन था, अब मैं ऊपर आ गया हूँ, आपको रूम दिखाता हूँ, वॉशरूम दिखाता हूँ। ये रूम है, मेरे को रूम नंबर 4 मिला है, साथ में स्मार्ट कार्ड मिला है रूम को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। भाई ये रूम है, कैप्सूल टाइप के इन्होंने बनाया हुआ है, ये मेरे को मिला हुआ है ये रूम, मतलब कि ये बंक बेड। हॉस्टल काफ़ी नीट एंड क्लीन है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, भाई ये टॉयलेट है एकदम नीट एंड क्लीन। ये शॉवर रूम है, वॉशरूम एकदम नया, एकदम नीट एंड क्लीन है।
हो गया मेरे हॉस्टल का टूर, आपने देख लिया पूरा हॉस्टल बहुत ही प्रोफेशनल है, एकदम नीट एंड क्लीन है। बस एक ही ड्रॉबैक मेरे को लगा, जब मैंने इसको बुक किया था booking.com से, तो वहाँ पर लिखा नहीं था कि एक रूम में कितने बंक बेड्स हैं, वहाँ सब लिखा था मिक्स डोर, लगभग 10 के आसपास बंक बेड है मेरे रूम में। लेकिन ठीक है, क्योंकि पूरा ऑक्यूपाइड नहीं है तो ज़्यादा लोग नहीं है, 5-6 लोग ही हैं, इतना एडजस्टेबल है। और हॉस्टल तो मैंने आपको पूरा दिखाई दिया, फैसिलिटीज़ पूरी है। अब मैं जा रहा हूँ पास के सुपर मार्केट में, कुछ ले लेता हूँ, मे बी शायद पीनट बटर या एग ले लेता हूँ, फिर कल मॉर्निंग में आपको मिलता हूँ मैं।